12 मार्च 1993 का वो दिन मुंबई के साथ पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। उस समय घड़ी में दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे, जब BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी बिल्डिंग जहां हजारों करोड़ रुपए का रोज कारोबार होता है, दहशतगर्दों ने पहले उसको निशाना बनाया। BSE का 28 मंजिला इमारत पहले बम धमाके से पूरी तरह हिल गया था। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, एक और धमाका, फिर तीसरा, चौथा और एक के बाद एक 12 धमाकों ने मुंबई के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों ने करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाया, साथ में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 713 मासूम घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम था।